देखती आंखों और सुनते कानों को बड़ी समझदार सलाह। मैं इस वक्त हैदराबाद दक्कन के इंतहाई मरकज में ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर आपको मेरे पसमंजर में चार मीनार की अजीमशान एक इमारत नजर आ रही है। ये चार मीनार अपने नाम के हिसाब से, चूंकि चार मीनार हैं इसलिए चार मीनार कहलाती है। सल्तनत कुतुब शाही के पांचवें हुक्मरान मोहम्मद अली मोहम्मद फुली कुतुब शाही ने जब गोलकंडा को कैपिटल हैदराबाद में मुंतकिल किया, ये 1591 के करीब करीब का इलाका था, तो उसने ये शहर के मरकज में चार मीनार की बुनियाद रखी। इसके लिए बहुत सारी कहानियां मशहूर है। एक कहानी ये है कि उस जमाने में ताउन की बीमारी फैल गई, तो उन्होंने ये मन्नत मांगी कि ये ताउन की बीमारी अगर जल्दी खत्म हो जाए तो मैं शहर के मरकज में एक मस्जिद और एक यादगार बनाऊंगा। और जब ये ताउन की बीमारी खत्म हुआ तो फिर कुतुब मोहम्मद अली कुतुब शाह ने इसकी बुनियाद रखी। और ये कहानी ये भी मशहूर है कि उन्होंने अपनी बेगम की मोहब्बत में ये एक इमारत बनाई जो कि ताजमहल की तरह ये भी यादगार रहेगी। और एक बात और भी बड़ी मशहूर है इसके हवाले से, वो ये कहा जाता है कि जब सदी बदल रही थी, इस्लामी सदी बदल रही थी और 1000 का फिगर आ रहा था, तो उन्होंने उसकी याद को ताज़ा करने के लिए, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए चार मीनार की बुनियाद रखी। और ये चार मीनार जो है ये 184 फुट लंबे मीनार है, इनकी जो लंबाई है 180 फीट हाई है। और इसकी जो बेस है, वो बेस इसकी जो है चारों तरफ से वो 100 फीट के करीब है। और ये एक ऐसी शालीशान बिल्डिंग है जो यहाँ पर आने वाले हैदराबाद में हर आदमी ने यहाँ पे आके उसको देखना है। यहाँ पे ये मोहम्मद अली मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, जब ये इमारत बनाई तो इसके चारों तरफ बाजार बनवाए उसने, ताकि ये बिल्कुल मरकज में रहे। इसके बिल्कुल सामने मक्का मस्जिद है और उसको बहुत सारी बड़ी अजीमशान जगह भी हैं, लेकिन आमतौर पर ये इस अहमियत की हमल है कि ये सल्तनत कुतुब शाही के पांचवें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकंडा से जब कैपिटल यहाँ पर ट्रांसफर किया तो इस चार मीनार का इफ्तिताह किया, उसकी बुनियाद रखी। ये 1595 का दौर था। तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी किसी जगह से फिर मैं आपको तफसीलात दूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।